हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार। आज के वीडियो सेशन में हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स की। पिछली वीडियो सेशन में आपको मैंने टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ाया और अगले इक्विलिब्रियम की कंडीशंस बताई, पहचानना सिखाया कि स्टेबल अनस्टेबल क्या है। आज की क्लास में हम उन कॉन्सेप्ट को लगाएंगे और इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये रहा आपका पहला सवाल। सवाल ये, एक रॉड है, मास एम और टोटल लेंथ एल, इसको सस्पेंड कर दी दो स्ट्रिंग से हमने। सवाल ये कि इन दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन कितनी है और ये लेंथ जो यहाँ पे आगे ओवर हैंगिंग नहीं कहना चाहिए, ये स्ट्रिंग जहां पे बांधी हमने वो यहां से एल बाय फोर दूरी पे। तो कोई सी भी इक्विलिब्रियम हो, नेट फोर्स सिस्टम पे जीरो, नेट टॉर्क सिस्टम पे जीरो, ये दो चीजें अगर आपको याद हैं तो आप इक्विलिब्रियम का कोई भी सवाल बड़े आराम से बना सकेंगे। आइए देखते हैं। मान लो इसमें मान लिया टेंशन टी वन, इसमें टेंशन टी टू, और इस रॉड का ठीक सेंटर पे लगता हुआ ग्रेविटेशनल पुल mg। तो पहला क्या पढ़ा हमने, नेट फोर्स सिस्टम पे जीरो, एफ नेट जीरो, नेट फोर्स जीरो। तो आपको नजर आ रहा होगा कि दो फोर्सेस ऊपर की तरफ है, टी वन प्लस टी टू, और इसको बैलेंस कौन कर रहा होगा, mg। तो पहली इक्वेशन आ गई यहां से, टी वन प्लस टी टू इज इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर वन। नेक्स्ट देखिए, नेट फोर जीरो, अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, नेट टॉर्क जीरो, नेट टॉर्क। अब जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें लगता है कि नेट टॉर्क जीरो कौन से पॉइंट के अबाउट अपन करें बैलेंस करें। तो मैं आप ही अभी मैंने दो एक वीडियो पहले डाला था, एक टॉर्क का एक वीडियो डाला था, उसमें सारी डिटेल से सारी बातें आपको बताई टॉर्क से संबंधित। और उसमें एक पॉइंट आया जिसमें आपको मैंने बताया कि अगर सिस्टम पे नेट फोर्स अगर जीरो है तो नेट टॉर्क आप किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालें, एक ही बात है ना, किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल दें। तो नेट टॉर्क, अगर नेट फोर्स जीरो है तो नेट टॉर्क जीरो करना है आपको, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट कर सकते हैं आप, चाहे तो नाम दे दें ये ए, ये भी, सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी पॉइंट के अबाउट बैलेंस कर लें टॉर्क। बैलेंसिंग टॉर्क अबाउट, हम वो पॉइंट सी के अबाउट करेंगे तो टी1 टी2 रह जाएगा। हम ऐसा पॉइंट लेते हैं जहां पे कुछ निकल आए, जहां फायदा हो, एबीसी वैसे कर सकते हैं। कौन सा, ए के अबाउट करोगे तो टी1 आ जाएगा, बी के अबाउट करोगे तो टी2, कोई चीज ए के अबाउट लेता हूं मैं, अबाउट ए, पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर रहा हूं मैं, ध्यान देना। तो टी2 का टॉर्क क्या होगा, जीरो। अगर ये आपकी एक्सिस है, आप इसके अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं तो फोर्स इसी को क्रॉस कर इंटरसेप्ट कर रही है, तो इसका टॉर्क क्या होगा, जीरो। अब एमजी इस रॉड को कैसे घुमाना चाहेगी, अगर मान लो कार्ड दो स्ट्रिंग में, तो एमजी घुमाना चाहेगी क्लॉकवाइज, और एमजी ना हो तो टी वन कैसा ले जाना चाहेगी, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो दोनों टॉर्क बैलेंस कर रही है, तो टी वन का टॉर्क कितना हो गया, एमजी की दूरी कितनी हो गई, यहां से सेंटर है ना, हो गया एल बाई टू, आई टूटे एल बाई टू, मतलब ये कितना हो गया, ये भी एल बाई फोर, तो एल बाई फोर प्लस एल बाई टू कितना हो गया, थ्री एल बाई फोर। तो टी वन इंटू ये जो दूरी है, ये हो गई आपकी थ्री एल बाई फोर। तो टी वन इंटू थ्री एल बाई फोर, ये एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क, तो एम जी, इसको बैलेंस करके क्लॉक वाइज वाला इज इक्वल टू एम जी इंटू एल बाई टू, टू टू जा फोर, एल एल कैंसिल, तो टी वन की वैल्यू आ गई यहां से, टू उधर कर दे तो टू एम जी बाई थ्री, सेकेंड इक्वेशन। टी वन की वैल्यू यहां रख दू, टू टू मिल जाएगा, दो इक्वेशन, दो अननोन टर्म्स, एक मिल गया, एक उठा के यहां रख दे। तो मैंने नेट फोर्स जीरो करा, नेट टॉर्क जीरो करा, और यहां से चीजें आ गई। मूव करते हैं हम अगले इलस्ट्रेशन की तरफ, आप इसे पॉज करके नोट कर लें जल्दी से। ये रहा आपका नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, एक लैडर है जो वॉल के अगेंस्ट लीन कर रहा है, रखा है दीवार के अगेंस्ट, वॉल फ्रिक्शनलेस है, न्यू इज इक्वल टू जीरो, फ्लोर और लैडर के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट है न्यू, और कितने एंगल पे रखा हमने, फ्लोर के साथ 37 डिग्री के एंगल पे। कह रहे हैं कि इस न्यू फ्रिक्शन कोफिशिएंट की मिनिमम कितनी वैल्यू होनी चाहिए, मिनिमम कितनी वैल्यू होनी चाहिए ताकि लैडर इक्विलिब्रियम में रहे। लैडर का मास कितना, 20 kg, और लैडर की लेंथ कितनी, 10 kg।
है ना, ये भी इक्विलिब्रियम में एक क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम में क्या करते हैं, नेट फोर्स जीरो और किसी भी पॉइंट के अबाउट, अगर नेट फोर्स जीरो है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो करेंगे अपन। आइए इसकी कॉन्टैक्ट में इसका नॉर्मल रिएक्शन मान लेते हैं एन वन, इसकी कॉन्टैक्ट में ये तो इसका नॉर्मल रिएक्शन ये एन टू। इस लैडर का ठीक सेंटर से लगता हुआ ये नीचे एम जी, और इसमें टेंडेंसी किधर स्लाइड होने की, ये वाला एंड किधर स्लाइड करेगा, इस तरफ, इधर स्लाइड करने की टेंडेंसी है ना, तो इधर स्लाइड करने की टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन फोर्स इस पे ये लगेगा इस तरफ। तो पहले नेट फोर्स जीरो कर दें, नेट फोर्स सिस्टम पे जीरो करेंगे अगर, इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन नेट फोर्स जीरो, उसके बाद किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो, नेट फोर्स जीरो करेंगे तो वर्टिकली बात करें अगर, तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक है एन टू और वर्टिकली डाउनवर्ड है एम जी, और तो कोई फोर्स है नहीं वर्टिकल, तो एन टू इज इक्वल टू एम जी। एम कितना है भैया, एम है 20 के जी, जी 10 ले लो, बाकी जो क्वेश्चन देते हैं वो ले लिया करना है, कोई इश्यू नहीं है ये। एन टू इज इक्वल टू आ गया 200 न्यूटन्स हॉरिजॉन्टल, ये क्या गया हमें, ये किधर किया हमने अलोंग वर्टिकल, ये हमने फोर्स बैलेंस किया वर्टिकल डायरेक्शन में, और हॉरिजॉन्टल में बात करें तो ये नॉर्मल रिएक्शन एन वन, ये फ्रिक्शन, और तो कोई फोर्स है नहीं, क्या देख सकते हैं एन वन इज इक्वल टू फ्रिक्शन, ये किधर है अलोंग हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स, फोर्स बैलेंस करेंगे अगर, तो ये कहानी है अपने सामने। अब हमें टॉर्क बैलेंस करनी है, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर सकते हैं, आइए कौन से पॉइंट के अबाउट करें कि थोड़ा फायदा हो जाए, ये हम बैलेंस करें, मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये सेंटर है सी, अगर हम ए पॉइंट के अबाउट करेंगे तो फ्रिक्शन का भी टॉर्क होगा, एन टू का भी टॉर्क होगा, तो फ्रिक्शन मिल सकता है यहां से, ठीक है, किसी पॉइंट के अबाउट कर सकते, कुछ सोचना नहीं, मैं सोच रहा हूं कौन सा इजियर पॉइंट होगा, मैं बी के अबाउट करता हूं तो एन वन की वैल्यू आ जाएगी, देखो ये 37, तो ये 37 अल्टरनेट से, तो एन वन का ये कॉम्पोनेंट क्या आ गया, एन वन साइन 37, ये F sin theta into R, याद है ना टॉर्क कैसे निकालते थे, R sin theta into F, ये R into F sin theta, तो मैं टॉर्क बैलेंस कर रहा हूं, बैलेंसिंग टॉर्क अबाउट ये नीचे आ गया लोअर पॉइंट, अबाउट पॉइंट B, तो N1 sin 37 रॉड को लेके आती क्लॉकवाइज और MG ये लेके जाती ऐसे एंटी, ध्यान दो उधर, MG ऐसे घुमाती एंटी क्लॉकवाइज और एन वन साइन थर्टी ऐसे लिखा जाता क्लॉकवाइज, तो लिख सकते हैं एन वन साइन 37 इंटू रॉड की जो लेंथ है एल रखेंगे अभी 10 मीटर और एम जी, एम जी का टॉर्क होगी तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये है एल बाई टू, तो यहां से यहां ये फ्रिक्शन दिखाया था मैंने, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है ये L by 2, ये 37, तो ये कितना हो जाएगा L by 2 cos 37, ये mg का ऐसे कंपोनेंट लेके L by 2 मल्टीप्लाई कर दो, क्या वक्त पड़ता है, एक ही बात, तो ये हो गया M1 sin 37 into L is equal to mg into L by 2 cos 37, अरे R sin theta into F लो या F sin theta into R, एक ही बात है ना, या तो आप चाहे जैसे एन बाई टू कॉम्पोनेट लिया मैंने, या तो एक और तरीका कर सकते थे कि एम जी का कॉम्पोनेट ले लेती ये वाला और उसके बाद एम जी कॉस 37 इंटू एल बाई टू की बात, वही चीज आती है ना, एक्सप्रेशन तो वही आता है ना यार मेरे, एम जी का ही कॉम्पोनेट लेते इंक्लाइंड लेते कैसा होगा एम जी कॉस थीटा, तो एम जी कॉस 37 इंटू एल बाई टू या एम जी इंटू एल बाई टू कॉस 37 की बात है, इसलिए टॉर्क वाला वीडियो जो बनाया था मैंने वो देखना आपके लिए यहां जरूरी है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो, अब यहां से निकाल लो साइन 37 की वैल्यू कितनी, कितना होता है 3/5, लेंथ कितनी दी हमने 10 मीटर, एम जी 20 इंटू 10 एम जी
L 10 meters, 10 by 2, cos 37, 4 by 5. काट कट जो करना है कर लो, 5 टू 10, ये 10 कट गया. तो N1 की वैल्यू आ गई यहां से, N1 की वैल्यू आ गई, यहां से काट कट कर दें तो 5 टू 10, ये आ गया. और मतलब ये आ गया 200 अपॉन 6. 200 into 4, 800. 800 upon 6, मतलब ये आ गया 400 upon 3. N1 की वैल्यू आ गई 400 upon 300. कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करी होगी मैं तो, यही आप ध्यान दे देना. 400 upon 3, करेक्ट है. N1 की वैल्यू आ गई तो फ्रिक्शन आ गई यहां से, है ना. तो हेंस फ्रिक्शन इज इक्वल टू 400 by 3 newtons. यहां से N1 बराबर फ्रिक्शन है, तो जो N1 की वैल्यू वही फ्रिक्शन की वैल्यू. लेकिन फ्रिक्शन जो है या तो न्यू N2 से छोटा, N2 है ना यहां पे, जब यहां पे कांटेक्ट पर रिएक्शन N2 है, या तो न्यू N2 से छोटा होगा या न्यू N2 के बराबर होगा फ्रिक्शन की वैल्यू. फ्रिक्शन आ गई 400 by 3, और N2 की वैल्यू भी कुछ लेकर आए हैं अपन, ये है 200 newton. ये यहां से रख दें आप 200, तो 200 टू जा 400, तो उल्टा करके लिख रहा हूं मैं, तो आ गया न्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 by 3. न्यू जो है या तो 2 by 3 से बड़ा है या तो बराबर है. पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कहते मिनिमम वैल्यू कितनी हो, तो मिनिमम चाहिए, तो न्यू मिनिमम 2 by 3 से या तो बराबर है या तो उससे बड़ा ही है, तो मिनिमम कितना हो गया 2 by 3. इतनी मिनिमम होगी फ्रिक्शन कोफिशिएंट तो ये लैडर स्लाइड नहीं करेगा. इससे ज्यादा होगी तो डेफिनेटली स्लाइड नहीं करेगा, है ना. तो देखो इक्विलिब्रियम का एक अच्छा सवाल था, इसमें टॉर्क भी बैलेंस किया, फोर्स भी बैलेंस किया, वो तो डेफिनेटली हर क्वेश्चन में करेंगे. ये दो चीजें अगर करनी आ गई आपको, फोर्स बैलेंस करना, टॉर्क बैलेंस करना, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन बड़े आराम से बना सकेंगे. वीडियो पॉज करें और नोट करें, और अगला क्वेश्चन जब मैं दूंगा तो पहले आप अटेम्प्ट कर लें, उसके बाद सॉल्यूशन कंपेयर करना. इस वाले इलस्ट्रेशन में अब आइए जरा ध्यान दें. एक डिस्क है जिसको एक एंड पे हमने हिंज से बैलेंस किया हुआ है, और ये डायमेट्रिक एंड पे, ये जो है ना ये डायमेट्रिक एंड है, ठीक है. अपोजिट यहां पे छोटा सा कोई ग्रूव बना के, कुछ छोटा सा बना के एक धागा बांध के ऐसा टांग दिया. तो सवाल ये कि फाइंड हिंज फोर्सेस, हिंज कितनी फोर्स लगा रही है और टेंशन कितनी है थ्रेड में. तो ये फिर से इक्विलिब्रियम का सवाल है, वो बोलकर थोड़ी वो आएगा कि भैया इक्विलिब्रियम का है, वो अपनी स्टेट में है जैसा वैसी बना हुआ है, अगर उसको छिड़खानी ना करें तो. इक्विलिब्रियम के केस में नेट फोर्स जीरो और नेट टॉर्क जीरो. हिंज के बारे में अलग से अगला वीडियो बनाने वाला हूं मैं, नेक्स्ट वीडियो हिंज फोर्सेस पे होगा. लेकिन थोड़ी सी बात जरा सुन ले, जब भी हिंज फोर्सेस की बात होगी तो हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर रिएक्शन दिखाना है हिंज का. हिंज फोर्सेस का हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर रिएक्शन दिखाना, दो फोर्सेस दिखाना है हिंज की, एक हॉरिजॉन्टल कुछ मान लेते हैं ये N1 और एक ये वर्टिकल. अब जरूरी नहीं है कि ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकली हो, लेकिन एक फोर्स अगर ऐसे दिखाओ तो एक परपेंडिकुलर ऐसे दिखाना. ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आसान पड़ेगा आपको, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एनालिसिस इजी पड़ती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसे हर बार दिखाएं अपन. हिंज फोर्सेस हमेशा आप दिखाना म्यूचुअली परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अगर ये ऐसा तो एक परपेंडिकुलर, ये ऐसा तो एक इसका परपेंडिकुलर, कुछ ऐसा. अब आइए और स्ट्रेंथ में मान लो ये टेंशन टी, ये रिंग या डिस्क कुछ भी मान सकते हैं, डिस्क मान लो, डिस्क मान लो, इसे रिंग भी रहती तो फर्क नहीं पड़ता, सेम रिजल्ट आएगा, देखिएगा आपको. इसका mg सेंटर से लगता हुआ, मास इसका m है, रेडियस इसकी r है. तो पहले एफ नेट जीरो करें तो अलोंग वर्टिकल, नेट फोर्स बैलेंस करेंगे तो पहले वर्टिकल के अलोंग, अलोंग वर्टिकल. तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक t है और एक हिंज का रिएक्शन है L2, तो L2 प्लस टी ऊपर की तरफ, और ये दोनों मिलके बैलेंस कर रही होंगी mg को, तो L2 प्लस टी इज इक्वल टू mg. L2 भी नहीं मालूम, t भी नहीं मालूम, इसको सॉल्व करना है आपने को. और फोर्स बैलेंस करें अलोंग हॉरिजॉन्टल, तो ध्यान से देखना जरा, हॉरिजॉन्टल में हिंज का रिएक्शन N1 और इससे बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स है ही नहीं, मतलब N1
इज इक्वल टू जीरो. मतलब यहां से पता चल रहा है कि इस हिंज का हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्या होगा, जीरो. सिर्फ एक वर्टिकल रिएक्शन है एन टू जिसपे काम करना भी बाकी है. तो हमने फोर्स बैलेंस करा तो दो इक्वेशंस आ गई, एन वन तो पता चले गया जीरो, एन टू और टी अभी भी अननोन टर्म्स है अपने लिए. अब टॉर्क बैलेंस करते हैं, किसी पॉइंट के अबाउट कर सकते हैं आप. अगर जैसे मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये है सेंटर सी, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस वो आपकी मर्जी है. और सवाल किसी भी टॉप पॉइंट के, ये कभी मत सोचना कि कौन से पॉइंट के अबाउट बैलेंस करूं टॉर्क का सवाल बनेगा. आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करेंगे सवाल आपका बनेगा. मैं ढूंढता हूं वो पॉइंट जहां आराम से काम हो जाए, वरना इक्वेशंस तो बनेगी ही, सॉल्व आप कर ही पाएंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है. एन टू टी दोनों टर्म्स हैं. बी के अबाउट अगर मैं अगर टॉर्क बैलेंस करूं अगर, तो टी का टॉर्क तो होगा नहीं, एन टू मिल जाएगा. तो आओ बैलेंसिंग अब हम करने जा रहे हैं, नेट टॉर्क जीरो. अब हम ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो बैलेंसिंग टॉर्क अबाउट पॉइंट बी. तो ध्यान दो, एन टू में टेंडेंसी अगर एन टू सिर्फ लगे इस पे तो ये घूम जाएगी, बॉडी को ले जाएगी क्लॉकवाइज. और एम जी को अगर इसको छोड़ दे, यहां से हिंज हटा दे, अगर यहां से हिंज हटा दे तो ये ऐसा रोटेट करेगी. कॉमन सेंस है ना, फील कर सकते हैं ना कि अगर इसको हटा दोगे हिंज तो ये ऐसे घूमेगी. तो एम जी लेके जाएगी एंटी क्लॉकवाइज और एन टू लेके आ रहा है क्लॉकवाइज, तो दोनों एक दूसरे का टॉर्क तो बैलेंस कर रही है, इसलिए जैसा है ये ऐसा ही है. तो एन टू का टॉर्क क्या है, दूरी कितनी हो गई, ये आर और ये आर, ये आर और ये वी आर. तो एन टू इंटू टू आर, एन टू इंटू टू आर, और ये बैलेंस करेगा एम जी के टॉर्क को. एम जी इंटू आर, आर आर कैंसल, एन टू की वैल्यू आ गई एम जी बाई टू. एन टू की वैल्यू फर्स्ट में रख दो, देखो तो हिंज वो से आ गई, एन वन पता चल गया एफ नेट सी की जीरो है, और एन टू की वैल्यू आ गई टॉप बैलेंस करने के बाद एम जी बाई टू फ्रॉम फर्स्ट. अब तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, मुझे जरूरत नहीं है. एन टू प्लस थ्री, एन टू की जगह रख दिया एम जी बाई टू. देख लो फर्स्ट में एन टू प्लस थ्री है, एन टू की जगह ये रख दिया एम जी बाई टू प्लस टेंशन टी इज इक्वल टू एम जी. तो टी इज इक्वल टू आ गया एम जी बाई टू. टेंशन आ गई, हिंज फोर्सेस पूछ रहे थे, ये सारी चीजें आ गई. मैंने हिंज फोर्स के बारे में थोड़ी सी बात बताई, अगली वीडियो में डिटेल में चर्चा करूंगा. मैं हमेशा परपेंडिकुलर रिएक्शन दिखाना है हिंज पे, हॉरिजॉन्टल तो वर्टिकल, किसी भी एंगल पे एक रिएक्शन दिखाओगे तो एक परपेंडिकुलर रिएक्शन आपको ऐसा दिखाना पड़ेगा. डिटेल में अगली वीडियो में देखना. तो चलो यहां से अब आयो की वाला क्वेश्चन आपने मेरे बताने से पहले बना लिया होगा, अगर हिंज की थोड़ी बहुत परेशानियां होंगी तो थोड़ा सा मैंने आपको क्लियर किया यहाँ पे. फिलहाल हिंज के दो रिएक्शन दिखाएंगे अपन, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों. चलिए जल्दी पास करें और एक और सेशन करते हैं अपन. इस इलस्ट्रेशन में आप देख रहे हैं ट्रायंगल लैमिना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री का एंगल. इस लैमिना की मास है m, कैपिटल n, और ये इक्विलिब्रियम है दोनों थ्रेड्स की वजह से. सवाल पूछ रहे हैं ये कि बताओ दोनों थ्रेड्स में टेंशन कितनी होगी. आप चाहे तो वीडियो पॉज करके बना ले, उसके बाद सॉल्यूशन कंपेयर करें. ये रहा सॉल्यूशन मेरी तरफ से. इसका सेंटर ऑफ मास कहां है भाई, रॉड का अभी तक रॉड वॉड आ रहा था बीच में ले रहे थे, डिस्क आ रहा था बीच में ले रहे थे, ये तो ट्रायंगल लैमिना है. याद करें पहले पढ़ाया था आपको मैंने सेंटर ऑफ मास की वीडियोस में, ये मिल जाएगा आपको जो बताने जा रहा हूं. एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी हाइट अगर एच है तो सेंटर ऑफ मास, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो बेस से एच बाई थ्री दूरी पे होता था. मेरे सेंटर ऑफ मास वाले प्लेलिस्ट वीडियोस में जाके देखेंगे आप, मैंने सीरीज से लाइन से आपको सारे ज्योमेट्रिकल शेप के सेंटर ऑफ मास निकाल ड्राइव करके बताए हैं. वहां पे रिजल्ट याद रखने का भी है, देखो इस्तेमाल पड़ गया है आप, इसलिए मैंने सवाल दिया था आपको. ट्रायंगुलर लैमिना में आइसोसेलेस ट्रायंगल, देखो ये है ना आइसोसेलेस ए है यहां पे, तो जो हाइट है सेंटर ऑफ मास बेस से एच बाई टू, बेस से एच बाई थ्री दूरी पे रहता है. तो यहां से ये लोगे हाइट अगर इसकी परपेंडिकुलर होगा, ये 45 का एंगल जाहिर है, ये भी 45, तो क्या ये हाइट निकाल सकेंगे आप इसकी,
बड़े आराम से निकाल सकेंगे। ये 45, ये मान लो कि ये है बड़े ना सी बेस, cos 45 is equal to base upon hypotenuse, तो यहां पे बेस हो गया एच, ये माना कि यहां से यहां तक जो है ये हाइट है इसकी एच है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस ए, हाइपोटेनस 90 के सामने वाला सी 90 हो जाएगा ना, यहां से हाइट ड्रॉप करोगे तो ये बाइसेक्ट करेगा, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं मैं हाइपोटेनस, तो यहां से आ गया कॉस पड़ेगा कितना होता है 1/√2। ये डायग्राम अगर देखने में परेशानी आ रही हो, आप जल्दी से पुराना वीडियो नहीं देखना चाहते, आपको फिर से बना देता हूं, एक आइसोसेलेस ट्रायंगुलर लैमिना हो, हाइट इसकी एच हो, तो सेंटर ऑफ मास इसका सीएम, सेंटर ऑफ मास इस बेस से होता है एच बाई थ्री दूरी पर, तो पहले हाइट तो मालूम चले, तो cos 45 इज इक्वल टू आ गया एच बाई ए, हाइट की वैल्यू आ गई ए बाई रूट टू, इतनी हाइट आ गई ए बाई रूट टू, तो ये बेस से यहां से सेंटर ऑफ मास होगा एच बाई थ्री दूरी पर, और यहां से जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ये हो जाएगा 2h/3, है ना, और यहां पे इसका mg लग रहा होगा, ये mg, h की वैल्यू है ये अपने पास, जरूरत पड़ी सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपन, तो जाहिर है ये सवाल वही स्टार्ट कर पाया होगा जिसे ट्रायंगुलर लैमिना के सेंटर ऑफ मास की नॉलेज है, तो अब इस तरीके बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता हूं मैं, लैमिना की जगह मैं रिंग रख दूंगा, सेमी सर्कुलर रिंग रख दूंगा, सेमी सर्कुलर डिस्क रख दूंगा, है ना, तो कभी भी जरूरत किसी की भी पड़ सकती है, तो जो चीजें आपने पढ़ी है पहले वो चीजें याद रखें, स्टैंडर्ड रिजल्ट जो है वो मैं जहन दिलो दिमाग के बना के रखें, अब क्या बचा है इसके अंदर, बनाओ सॉल्व करो, सॉल्व करो भाई, पहले नेट फोर्स जीरो करते हैं, तो नेट फोर्स तो वर्टिकल ही है, इधर नहीं दिखाया हमारे, इधर ये टेंशन T1, इसमें है टेंशन T2, तो ऊपर की तरफ T1 T2 और ये बैलेंस किसे कर रही होंगी mg को, तो आप लिख सकते हैं यहां से T1 प्लस T2 इज इक्वल टू mg, ये रही पहली इक्वेशन, आप दूसरी इक्वेशन कहां से, टॉर्क से, तो कौन सा पॉइंट लोगे a b सेंटर ऑफ मास c, किसी पॉइंट के बाद ले सकते हैं वो आपकी मर्जी, इस पे कभी सोचना खास नहीं, हाँ डायरेक्ट मिल जाता है तो आसान हो जाएगा काम आपका, एमजी में लेता हूं पॉइंट ए के अबाउट, तो ये देखिए ये लाइन ऑफ एक्शन एमजी का, तो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रही एक्स, एक्स निकाल लेते हैं अपन पहले, और ये यहां पे ए भी निकाल लेता हूं, ये 45 यहां से यहां दूरी 2h/3 और ये एक्स, तो कॉस 45 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस ये रहा एक्स और हाइपोटेनस ये 90 के सामने का साइड, ये दूरी ये h बाई थ्री, तो ये कितनी 2h/3, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 2h/3 cos 45, x इज इक्वल टू 2/3 h की जगह रख दो a बाई रूट टू, एच की जगह cos 45 b 1/√2, रूट टू इंटू रूट टू टू, और ये टू कट जाएगा यहां से, मतलब x इज इक्वल टू आ गया a बाई थ्री, जरूरत पड़ेगी अभी, अब नेट टॉर्क जीरो कर दें, नेट टॉर्क जीरो, तो बैलेंसिंग टॉर्क अबाउट कौन सा पॉइंट है वो a, a पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर रहा हूं, तो T1 का तो टॉर्क होगा नहीं, एक्सिस को गुजर रहा है पास कर रहा है, तो mg का टॉर्क क्या होगा, mg और परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से कितनी x, mg कैसा घुमाएगी बॉडी को, अगर ये धागा काट दे तो ये ऐसा घूमेगा, है ना, तो mg घुमाएगी क्लॉकवाइज, और T2 कैसे घुमाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो mg का टॉर्क हो गया mg * परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, mg * x, और ये आ गया T2 * ये डिस्टेंस कितनी है एक्सिस से a, यहां से यहां तक की दूरी a है, तो T2 * a, t आ गया mg, x की जगह आप रख सकते हैं a बाई थ्री, T2 * a, a कैंसिल, तो यहां से T2 की वैल्यू आ गई mg बाई थ्री, ये एक टेंशन आ गए, अब इसके आगे मुझे जरूरत नहीं है, एक
तो थोड़ा सा एक्वेशन कर देता हूं, फिर ये सी टू क्यों लिया, मेरा एक दो डी वन मिल जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट टी वन प्लस टी टू, टी टू की जगह एम जी बाई थ्री इज इक्वल टू एम जी। तो टी वन की वैल्यू आ गई एम जी माइनस एम जी बाई थ्री, मतलब आ गया टू एम जी बाई थ्री। ये आ गई स्ट्रिंग्स में टेंशन, जो आपका सवाल था। ये सवाल किसी मायने से अलग नहीं था, सारे क्वेश्चंस के जैसा ही था। सेंटर ऑफ मास का जो नॉलेज है वो जरूरी था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो उम्मीद करता हूं कि आपके पास पहले से होगा, आप ये सारे स्टैंडर्ड सेंटर मास के याद करे हुए होंगे अब तक। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। जो परेशानी की बातें हो मुझे फीडबैक कमेंट्स बताएं, चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मोटिवेटेड फील कर सकूं, आपकी बेटर और बेहतर काम कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।